लेकिन जम्मू कश्मीर के और भी सेक्टर्स हैं, मसलन कुपवाड़ा है, अरनिया सेक्टर है, आरएसपुरा सेक्टर है, यहाँ लगातार बॉर्डर पार से सीज फायर वायोलेशन हो रहा है और आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ही यूपी के बुलंदशहर के 2 जवान शहीद हो गए हैं। सीमा पर पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए ग्रेनेडियर राहुल कुमार का अंतिम संस्कार बुलंदशहर में किया जा रहा है। हम दोनों तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जबकि नायक नीरज राघव के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। शहीद नीरज के परिजन कह रहे हैं कि जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि यहां नहीं पहुंचता, तब तक शहीद के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। शहीद नीरज के घर वाले बगैर केंद्रीय मंत्री के आए अंतिम संस्कार से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहीद राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दोनों ही तस्वीरें वाकई बड़ी मार्मिक। ये तमाम वो लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए, हमें महफूज बनाए रखने के लिए सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेते हैं और अपने सीने पर गोली खाते हैं। तो जैसा कि खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि शहीद नीरज के परिजनों ने केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को बुलाने की मांग की है और इस सूरत में जबकि वहां कोई नहीं पहुंचा है, उन्होंने अंतिम संस्कार से मना कर दिया है। प्रशांत त्रिपाठी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करेंगे। प्रशांत, वाकई ये तमाम तस्वीरें जो हैं दर्दनाक हैं कि अपने ही कलेजे के टुकड़े को अपने सामने इस हालत में देखना और सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया। जाहिर है ये कोई मांग बेमानी और गैर वाजिब मांग नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर शहीदों के अंतिम संस्कार में जो पहुंचने की परंपरा है कि लोग पहुंचते हैं सांत्वना देने के लिए ही सही, वो भी यहाँ गैर मौजूद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, यहाँ पर अगर देखा जाए बुलंदशहर के दोनों जवान शहीद हो गए हैं और गमगीन माहौल है, परिवार के दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन जो नीरज का परिवार है उनका साफ कहना है कि जब तक कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आता, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साफ बात है कि एक तरह से ये सरकारी तंत्र की अनदेखी है जवानों के प्रति। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि नजरअंदाज किया जा रहा शहीदों की शहादत को। यही नाराजगी है नीरज के परिवार की, जब तक कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आता वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जो जवान देश के लिए शहीद हो जा रहा है उनके लिए इन नेताओं के पास समय नहीं, जबकि बड़े बड़े जो अधिवेशन होते हैं उसमें नेता जरूर पहुंच जाते हैं, आंदोलन करने पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सेना के जवान देश के लिए शहीद हो रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, उनके पास इन नेताओं के पास उनके लिए बिल्कुल भी समय नहीं, ये साफ है। और जो परिवार की नाराजगी है तो जाहिर सी बात है कि वो जरूर चाह रहा है कि कोई ना कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ पर आए, कोई भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए, तभी अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। इस तरफ जिस तरह की मांग है शहीद के परिजनों की, प्रशांत, उसके बाद क्या सरकार की तरफ से, वो भले ही राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई रिएक्शन आया है अभी? फिलहाल अभी इस पर किसी ने भी खुलकर बात नहीं की है, लेकिन परिवार अपनी मांग पर अड़ा है। हो सकता है कि कुछ समय बाद जरूर कोई ना कोई पक्ष को लेकर सामने आएगा, कोई नेता या मंत्री जरूर वहां पर पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल अभी तक गरिमा किसी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर भी बात नहीं की है।